अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत ही मज़ेदार आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ लाहौरी चने की। ये चने मैंने पहले भी बनाए थे लेकिन आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो चने मैंने उबलने के लिए रख दिए, मैं रात को मैंने उनको धो के अच्छी तरह से तो भिगो दिया था पूरी रात। उसमें कुछ भी नहीं डालना आपने, सिर्फ उसको सादे चने जो है वो आपने धो के अच्छी तरह उनको भिगो देना है, और भिगोने के बाद आपने रख देना है। और सुबह उठ के जो है वो चनों को आपने सादे पानी में जो है वो नमक डाल के बॉईल कर लेना है, 90% डन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चनों को अगर आपके पास चिकन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो, अगर चिकन की अक्सर घर में जो है वो हड्डियाँ पड़ी होती हैं, जब हम बोनलेस चिकन करवाते हैं तो हड्डियाँ भी साथ ही आती हैं, तो मैंने वही हड्डियाँ जो है उनकी यखनी बना के चनों को उसके अंदर रख दिया हुआ है हल्की आंच पे पकने के लिए। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल घी का डाला है, घी डाल रही हूँ मैं, ऑयल नहीं डाल रही, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज हैं वो बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करके डाल दी हैं। यहाँ हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज का कलर थोड़ा डार्क करेंगे तो हमारे चनों का जो कलर है वो खूबसूरत सा आएगा। प्याज हमारे हो रहे हैं तो इतने में हमने ये काम किया है, इसमें लहसुन नहीं डालना आपने, लहसुन का पानी डालना है। ये मैंने लहसुन का एक बल्ब बड़ा लेके उसको कूट लिया, कूटने के बाद उसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, और अब इस पानी को हम जो है वो छलनी से डाल के इसको निकाल लेंगे, और उस पानी के अंदर हम अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और साथ में ये अदरक है, तो इसको हम जो है वो इसका पेस्ट बना लेंगे। हाँ जी, प्याज का कलर देखिए मैंने ब्राउन कर लिया था तो वो जल रहा था, मैंने इसीलिए फटाफट से जो है उसके अंदर लहसुन अदरक वाला जो पेस्ट है हरी मिर्चों वाला वो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है, इतनी भुनाई करनी है कि मसाला जो है वो अलहदा हो जाए और घी अलहदा हो जाए, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने सुरख सब्ज मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा डाली है, इसमें काली मिर्च भी जाएगी तो इसीलिए हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने वो डाली है, और 1/2 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैं हल्दी शामिल कर दूँगी, सुरख मिर्च हम नहीं डालेंगे। जिस जग में हमने लहसुन अदरक पीसा था उसी का हंगाल हम डाल देंगे अब इसके अंदर, पानी इतना ऐड करेंगे कि ये मसाला जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर गल जाए अच्छी तरह से। इसको हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जी देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है, घी अलहदा हो गया है और मसाला अलहदा हो गया, और मसाला देखिए कितना फूल भी गया है और बिल्कुल जो है वो पिस भी गया है, इसी तरह का हमें मसाला चाहिए था। और ये अब मैंने चने जो बॉईल किए थे वो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। मसाले के अंदर मैंने वो नहीं डाला, नमक नहीं डाला था, चनों के अंदर डाला था बस नमक। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया हमारे चनों का, बिल्कुल बाजार जैसे। अब हम इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और कुछ मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे जिसमें काली मिर्च है, सूखा धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ, और गरम मसाला है। गरम मसाले में मैंने 4 चीज़ें ली थी, एक थे बादियान के फूल, एक साथ में 2 मोटी इलायची काली, और दालचीनी का एक टुकड़ा, और साथ जायफल और जवतरी थोड़ी थोड़ी सी ली थी चनों की के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। मेरे चने तकरीबन ये 1/2 किलो से कम है और 1 पाव से ज़्यादा हैं। हाँ जी, बाज़ार का टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कनौर की टिक्की ऐड करेंगे, चिकन क्यूब की। इसमें भी नमक होता है तो इसीलिए आप नमक जो है वो चख लीजिएगा। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी इसके अंदर अब इस स्टेज पे। सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश पीसी हुई हैं तो आपने भी फ्रेश ही पीस के डालनी है।
हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं पिसा हुआ ज़ीरा डालूंगी, ये भी अभी फ्रेश पीसा है मैंने। हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करूंगी, और हाफ टी स्पून इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करूंगी। इन चीज़ों को हम कर देंगे सबको मिक्स, और इनको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चनों में अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने कहा ये मसाले के साथ ही इस तरह पक जाएंगे। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा कलर आया हमारे चनों पे। अब हम इसको दम दे देंगे। हाँ जी, ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं चनों को हमारे पकते हुए। देखें कितने मज़े के चने पक के तैयार हुए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अब इनको आप चनों को कुलचों के साथ, नानों के साथ इंजॉय करें। ये देखें बिल्कुल बाजार जैसे चने हमारे बन के तैयार हुए हैं।